हे गाइस, मैं हूं श्वेता और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओजोन लेयर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, क्योंकि ओजोन लेयर ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका चाहे आने वाला यूपी टेट हो, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो ओजोन लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओजोन लेयर से। तो स्टार्ट करते हैं और हम ओजोन जो लेयर टॉपिक है उसको हम कवर करते हैं। तो गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन परत से, कि जो आपका ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, वो कौन से मंडल में, कौन से स्फीयर में या कहाँ पाया जाता है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको समताप मंडल, वहाँ पे आपका ओजोन परत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अब ये जो समताप मंडल है वो पृथ्वी से लगभग कितनी ऊँचाई पर स्थित है। तो 20 से या 10 से आप भी कह सकते हैं, अगर जैसा ऑप्शन मिला, लेकिन लगभग आपके 50 किलोमीटर की ऊँचाई पर अवस्थित होता है आपका ये जो समताप मंडल होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कि जो आपका ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको डिप्लेशन में, उसके जो ओजोन छिद्र है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन सा ऐसा गैस है जो उत्तरदायी होता है। तो आपने सुना होगा CFC, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर जो डिप्लेशन होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये जो CFC, काफ़ी खतरनाक गैस है, तो ये काफ़ी उत्तरदायी होता है आपके ओजोन छिद्र के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस का क्या नाम है। तो जो ओजोन गैस होता है, जिसे O3 कहते हैं, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ओजोन जो परत है, ओजोन जो लेयर है, वो मानव के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि वो सूर्य से जो निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं, उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसलिए जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइज, इस वीडियो में केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। तो केवल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट हम उन्हें ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, यानी कि जो वायुमंडल में हमारा जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो क्या अवशोषित करती है। तो जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक आपके जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनको अवशोषित करती है ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है, उसके कारण क्या होता है। तो जो स्किन कैंसर होता है, जिसको कहते हैं त्वचीय कैंसर, ये आपके पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन परत संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को हर साल प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रदूषक है वो कौन है। तो CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, वो ओजोन लेयर को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है ओजोन डिप्लेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की छिद्रता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं, यानी कि CFC के अलावा ऐसी कौन सी गैसें हैं जो आपके ओजोन परत की छिद्रता के लिए उत्तरदायी हैं। तो हैलोजन्स हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301, ये सभी गैसें आपके ओजोन परत की छिद्रता के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है कि वह ग्रीन हाउस गैस, जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन इसके कारण आपका जो समताप मंडल है उसमें ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा जो ओजोन क्षरण हुआ है वो कहाँ है, कहाँ हुआ है या कहाँ पे प्रभावित हुआ है सबसे ज़्यादा जो ओजोन लेयर है। तो अंटार्कटिका के ऊपर आपका ओजोन जो छिद्र है वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट है कि मॉनिटर प्रोटोकॉल किसके संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मॉनिटर प्रोटोकॉल
है वो किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1 जनवरी 1989 से क्या प्रभावी हुआ था? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये प्रोटोकॉल बनाया गया था 1 जनवरी 1989 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से ये संबंधित है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि मॉनिटर प्रोटोकॉल संबंधित है और ऑप्शंस में आपके कई सारे गैसेस दे देंगे, जैसे कि आपका CFC हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको पता ही है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो मेन आपका क्षरण का कारण बनता है, मेन उत्तरदायी है आपका जो ओजोन लेयर है उसका। क्योंकि जितने भी हम डेली अपने घर में उपकरण यूज़ करते हैं, चाहे वो AC हुआ, फ्रिज हुआ, तो उनसे यही जो CFC होता है खतरनाक गैस निकलता है और ये जाके समताप मंडल में हमारे जो ओजोन लेयर है उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। तो CFC का उत्सर्जन कम करने के लिए ही इस मॉनिटर प्रोटोकॉल को बनाया गया था। तो ये संबंधित है किससे? आपके ओजोन क्षरण जो है उसको रोकने के लिए, यानी कि ओजोन जो परत है उसके संरक्षण के लिए भी संबंधित है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से भी संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत को मापा जाता है, यानी कि जो ओजोन लेयर है उसका मेजरिंग करने का यूनिट क्या है? तो जो डॉप्सन होता है, डॉप्सन इकाई होती है, उससे मेजरिंग होता है, मेजरिंग की यूनिट है आपके ओजोन लेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CFC हैलोन्स तथा अन्य ओजोन रिक्तिकरण रसायनों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगाई गई है किसके द्वारा? तो जो मॉनिटर प्रोटोकॉल बनाया गया है उसके द्वारा इन गैसों पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट आता है कि फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम क्या है? तो मैफ्रॉन भी कहते हैं और फ्रियॉन भी कहते हैं, जो आपका CFC का ही एक रूप होता है। नेक्स्ट है कि प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयोग होता है? अमोनिया प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो ब्रिटिश दल ने लगाया था। तिब्बत पठार के ऊपर 2005 में ओजोन आभामंडल यानी कि ओजोन हैलो जिसको कहते हैं उसका पता किसने लगाया? तो GW केंट मूर ने लगाया था। मनुष्यों में खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों को भी क्षति पहुंचा सकता है, तो जो ओजोन का उच्च सांद्रण होता है ये आपको खांसी, सीने में दर्द उत्पन्न करने के साथ साथ फेफड़ों में भी क्षति पहुंचा सकता है। तो ये थे ओजोन लेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पढ़िए, समझिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक करिए। थैंक यू सो मच।